कि बताओ वो जो मुसलमान जिसको आप हालत सजदा में नमाज में था जिसको लात मारा गया है, जिसकी बेइज्जती की गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू जड़ी मिटला ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आप सब जैसे कि जानते होंगे, कल दिल्ली के इंद्रलोक में कुछ मुसलमान नौजवान नमाज में भीड़ ज्यादा होने के कारण मस्जिद के बाहर नमाज अदा कर रहे थे। उस वक्त एक पुलिस अधिकारी आता है, हालत सजदे में मुसलमानों को मारना स्टार्ट कर देता है। इस शर्मनाक हरकत पर आज असदुद्दीन अवैसी साहब मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हम कल देखते हैं कि जुमे की नमाज में हमारे मुल्क में 90% ज्यादा लोग मजहबी लोग हैं और अपनी मजहबी इबादत के लिए, जुलूस के लिए वक्तन फोक्तन रोड पे आ जाते हैं, तो इसको ये बेइज्जत करना, उनको इस तरह से लात मारना उनको और बताना कि क्या हमारी हैसियत है, तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि आपके इस जुल्म के मशायरों से हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ने वाले हैं, हम अल्लाह के आगे सजदा करते हैं और करते रहेंगे। आप लात मारो या गोली मारो, मगर आपके लात मारने से, आपके गोली मारने से आप अपनी ज़हनियत का, अपनी नफरत का आप मजाहरा कर रहे हैं और आप एक तरफा काम कर रहे हैं। और भारत के मुसलमान का परिवार किस किस परिवार से ताल्लुक है बता दें। मैं ये तमाम मेरा सवाल है उन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों से, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म से, कि बताइए जो सजदा कर रहा था जो मुसलमान है उसका किस परिवार से ताल्लुक है, बताइए हमको।